2D girls, I got a lot saying. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपने आके देखा कि इंस्टाग्राम पे अभी के टाइम पे कुछ इस तरह की जो वीडियोज है वो ट्रेंड कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस तरह के वीडियो को एकदम ये स्टेप में बना सकते हो। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नहीं आ ही गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इस तरह के इंस्टाग्राम पे चलने वाले सभी तरह के ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है क्रोमा ब्राउजर। तो आपको इस वाले ब्राउजर में आ जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है रिमूव बीजी। तो इतना सा टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ये जो अपलोड इमेज वाला जो आइकॉन है आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको अपने इमेज को सिलेक्ट कर लें। ओके, जो भी इमेज पे इस तरह की वीडियो को एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम इस वाले इमेज को ले लेते हैं। तो अब आपको थोड़ा वेट कर लेना है और हमारे इस इमेज में जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इरेजर हो गए। ओके, तो अब आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसे क्लोज कर लेना है और आपको चले जाना है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में। तो आपको इंस्टाग्राम पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और आपको स्टोरी वाले पेज पे चले जाना। ओके, तो अब आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और आपको सबसे लास्ट में चले जाना। ओके, तो आपको इस सर्च वाले आइकॉन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सर्च पे टैप करना है और आपको टाइप कर लेना है टेक्स्ट टू। टेक्स्ट टू टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट में, अरे सॉरी, आपको सेकंड में ये जो इफेक्ट है ओके आपको इस पे टैप करना है। ओके, सेकंड वाले इफेक्ट पर टैप करने के बाद आपको इस वाले इफेक्ट को आपको सेव कर लेना। ओके, आप ऊपर देख सकते हो ये जो सेव वाला जो आइकन ओके वहाँ से आपको इस इफेक्ट को सेव कर लेना है। तो अब आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको ये जो एल्बम वाले जो आइकन ओके आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो अब आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेना। ओके, तो आपको रिकॉर्डर को ऑन करने के बाद आपको इस वाले आइकन पे आपको टैप करना है। आपको नीचे जाना है और आपको इस प्लस वाले आइकन पे आपको टैप करना है। ओके, अब आपको उस वाले इमेज को ओपन कर लेना है जिसका हमने बैकग्राउंड को रिमूव किया। ओके, तो आपको इस पर टैप करना है और आपको इसे ओपन करने के बाद आपको इसे सही से एडजस्ट कर लें। ओके, तो आपको इतना से एडजस्ट करने के बाद आपको इस इफेक्ट वाले आइकन पे आपको टैप करना है और आपको स्लाइड करना है। और हमारे यहाँ पे जो इफेक्ट वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको वीडियो को 20 सेकंड तक आपको रिकॉर्ड होने देना है। ओके, तो अब आपको इसे डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको अपने रिकॉर्डर को ऑफ कर लेना। ओके, तो आपको इंस्टाग्राम को क्लोज कर लेना है और आपको चले जाना है वीएन एप्लीकेशन में या फिर कैपकट एप्लीकेशन में चले जाना। ओके, आप जो भी ऐप को यूज करते हो। तो हम ओपन कर लेते हैं वीएन एप्लीकेशन। तो वीएन ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद प्रोजेक्ट पे टैप करना है और आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लें। ओके, जिसको हमने स्क्रीन रिकॉर्डर में शूट किया। ओके, तो वीडियो को ओपन करने के बाद आपको ये जो ओरिजिनल वाला जो आइकन है आपको इस पर टैप करना है और आपको इसका रेशियो कर लेना 9.60। ओके, तो ये करने के बाद आपको इस वीडियो पे टैप करना है और आपको इसके साइज को ओके इतना सा छोटा कर लें। ओके, इतना सा करने के बाद आपको सबसे आगे आ जाना है और आपको साउंड वाले आइकन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको म्यूजिक पे टैप करना है, माइंड म्यूजिक पे टैप करना है, एक्सेप्ट फ्रॉम वीडियो पे टैप करना है, ओके कर लेना है और आपको उस वाले वीडियो पे टैप करना है जिसको हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था। तो आपको इस वीडियो को जो लिंक है आपको मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। ओके, तो आपको माइंड म्यूजिक पे टैप करना है, माइंड म्यूजिक पे टैप करना है और आपको इस वाले ऑडियो को यूज करके आपको ओपन कर लें। ओके, तो अब आपको इस पर टैप करना है और आपको वापस इस साउंड पे आपको टैप करना है, बीट पे टैप करना है। ओके, तो अब आपको इस साउंड पे आपको बीट को ऐड करना है। ओके, तो हमारी बीट होगी 9.82। ओके, तो आपको इस पर बीट को ऐड कर लेना है और आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको इसे बड़ा कर लें। ओके, तो बड़ा करने के बाद आपको ये जो बीट है ओके उसके बीच में आपको जहां पे हम इफेक्ट को ऐड कर चुके आपको इस वाले पार्ट को जहां पे हमने बीट को ऐड किया ओके वहां पे आपको इसे लाना। ओके, तो इतने से पार्ट को आपको स्प्लिट करना। ओके, स्प्लिट करने के बाद आपको सबसे आगे आ जाना। ओके, आगे आ जाने के बाद आपको इतने सा पार्ट लेना। ओके, तो यहाँ पे हमने इमेज को ओपन किया था तो आपको इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको डिलीट करना। ओके, इसके आगे वाले पार्ट को भी डिलीट करना। डिलीट करने के बाद आपको ओके इतना सा ओके, तो आपको इसे वापस स्प्लिट करना है और आपको बीच वाले पार्ट को टैप करना है और आपको इसकी स्पीड में चले जाना। ओके, रेगुलर पे जाना है।
तो आपको इसे सही से एडजस्ट कर लोगे तो आपको वापस स्पीड में जाना है, और आपको इसे बढ़ा लेना होगा तो इसकी स्पीड को थोड़ा हम और बढ़ा लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो चुका होके, तो जहाँ पे हमारी जो इफेक्ट आ रहा होके वो बिल्कुल बीट के बीच में आ चुका होके। तो आपको वीडियो को एडिट करने के बाद आपको इस वीडियो के एक्सपर्ट कह लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।